Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Paathshala. Guys, आज की वीडियो में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं. First is cell number, second is cell size and third is cell shape. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं सेल नंबर. गाइस, अगर हम नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जितना बिगर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, और अगर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें लेस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे. तो उस बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल सेल. सिंगल सेल्ड मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें वन सिंगल सेल प्रेजेंट होता है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूनिसेलुलर. गाइस, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल. तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें वन सिंगल सेल प्रेजेंट होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो गाइस देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल, सिर्फ वन सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. तो अगर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट, अमीबा, गाइस ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वन सिंगल सेल प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया इज वन सेल, वन सिंगल सेल होता है. ईस्ट, गाइस अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो दिस इज यूनिसेलुलर फंजाई. गाइस मेनली जो फंजाई होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, बट ईस्ट ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है. देन अमीबा इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी. देन जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है फ्यू सेल्ड. गाइस, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें 100 या फिर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो देखिए, इसमें फ्यू, 100 और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें 100 या फिर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं हम तो इसमें आ जाता है स्पायरोगायरा, वॉल बॉक्स. गाइस ये दोनों एल्गी होती हैं जिसमें 100 या फिर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. देन जो थर्ड कैटेगरी आती है वो होती है मल्टी सेल. गाइस, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसमें मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इनके एग्जांपल हो गए ह्यूमन बीइंग्स. गाइस, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें मिलियन या फिर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. लार्जर एनिमल्स जो होते हैं, मैंगो ट्री, गाइस ये सभी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं. देन गाइस, ये जो दो कैटेगरी हैं इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. ठीक है, मल्टी सेल्यूलर क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज फ्यू सेल एंड सेकेंड इज मल्टी सेल. फ्यू सेल मतलब जिसमें 100 या फिर थाउजेंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, मल्टी सेल मतलब जिसमें मिलियन या फिर बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है. बट है तो सब में एक से ज्यादा सेल्स ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए. चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं सेल साइज. गाइस अगर हम सेल साइज की बात करते हैं तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो स्मॉलेस्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो लॉन्गेस्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जो लार्जेस्ट होते हैं. ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की. तो जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा. गाइस ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं दैट व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल. तो याद रखिए, सबसे जो छोटा सेल होता है वो किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का. ठीक है, देन माइकोप्लाज्मा से बड़ा थोड़ा होता है बैक्टीरिया सेल. बट गाइस इसको भी स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि बैक्टीरिया सेल भी बहुत छोटा होता है. ठीक है, अबाउट 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर का होता है. तो ऑब्वियसली बहुत छोटा हो गया, तो इसको भी स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में ही रखा जाता है. और अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो गाइस ह्यूमन में
जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल। गाइस जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनका साइज अबाउट 7 माइक्रोमीटर का होता है, तो ऑब्वियसली बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, देन बैक्टीरिया सेल, एंड देन आरबीसीज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में आरबीसीज इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। देन जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है लॉन्गेस्ट सेल। गाइस लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, जो सबसे लंबा सेल है। तो गाइस लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हिच इज द लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। देन जो थर्ड है दैट इज लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट मतलब बड़ा सेल। तो गाइस लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में, तो गाइस कंफ्यूज मत होइएगा। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा एंड लार्जेस्ट मतलब बड़ा। तो जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो नर्व सेल होता है, और जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है। जो ऑस्ट्रिच होती है उसका एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं सेल शेप। गाइस डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं, तो यहाँ पे मैंने 8 शेप्स लिखी है विद देयर एग्जांपल। तो देखिए फर्स्ट है स्फेरिकल। गाइस कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, फॉर एग्जांपल एग्स ऑफ सम एनिमल्स। गाइस आप लोगों ने देखा होगा कुछ एनिमल्स के जो एग्स होते हैं वो कैसी शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव शेप। गाइस सर्कुलर और बाई कॉन्केव शेप होती है आरबीसीज ऑफ ह्यूमंस। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो गाइस ह्यूमंस में जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, उनकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव शेप। गाइस इसको हम डिस्क शेप भी बोल देते हैं, ठीक है, डिस्क शेप। तो मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कौन सा सेल ऐसा होता है जिसकी डिस्क लाइक शेप होती है, तो आप लिखेंगे आरबीसीज। तो गाइस जो आरबीसीज होते हैं उनकी सर्कुलर बाइकॉनकेव शेप होती है, जिसको डिस्क शेप भी कहा जाता है, ताकि जो आरबीसीज हैं वो इजिली बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकें, क्योंकि मेन जो आरबीसीज का फंक्शन होता है वो होता है बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो इसकी जो ऐसी शेप होती है उसके थ्रू जो आरबीसीज होते हैं वो इजिली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं बॉडी में, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्पिंडल सेल्स। गाइस स्पिंडल का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो थ्रेड लाइक जो शेप होती है वो किसकी होती है? स्मूथ मसल फाइबर्स। गाइस जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं इनकी कैसी होती है? थ्रेड लाइक। तो स्पिंडल का मतलब होता है थ्रेड लाइक शेप, ठीक है। देन नेक्स्ट है ब्रांच्ड। गाइस कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, तो एग्जांपल हो गया पिगमेंट सेल ऑफ स्किन। जो स्किन के अंदर पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पिगमेंट को सिक्रीट करते हैं, उन सेल्स की शेप कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है इलोंगेटेड। गाइस कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल। गाइस हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ताकि इजिली बॉडी में इंपल्स को ट्रांसफर करवा सके, मैसेज को ट्रांसफर करवा सके ब्रेन से हर एक बॉडी के पार्ट तक, और हर एक बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक मैसेज को फटाफट ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो इस वजह से जो नर्व सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है बीन शेप। गाइस बीन शेप जो होती है वो होती है गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटल पोर। गाइस प्लांट में जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। गाइस ये होते हैं गार्ड सेल, तो आप देख सकते हो इनकी जो शेप है ये कैसी है? बीन जैसी शेप है। सो दीज आर गार्ड सेल्स। तो इस टाइप की बीन जैसी शेप होती है और ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है अमीबॉइड। गाइस अमीबॉइड शेप मतलब अमीबा जैसी शेप। अमीबॉइड मतलब हो गया इरेगुलर शेप, क्योंकि जो अमीबा होता है उसकी इरेगुलर शेप होती है, तो अमीबॉइड शेप को इरेगुलर भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा।
इरेगुलर, ठीक है। तो गाइस इरेगुलर शेप किसकी होती है? WBCs मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनकी शेप कैसी होती है? अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप मतलब इरेगुलर शेप, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इस टाइप की होते हैं। अब इसकी कोई भी शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। सो दिस इज अमीबॉइड शेप, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड देन लास्ट है लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। गाइस कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप लॉन्ग होती है और कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया मसल सेल्स। गाइस हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में जो मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जैसे हम मूवमेंट करते हैं, मैं हैंड का मूवमेंट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली जो मेरे मसल्स के सेल हैं वो क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहे हैं। तो इस वजह से जो मसल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ शेप्स हो गई सेल्स की। गाइस एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको शेप दे देंगे, आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे शेप पूछी जाएगी। तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।